हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। आपको पता है कि क्या केवल एमबीबीएस करना ही काफी है, या फिर मैं नीट का एग्जाम क्रैक कर चुका हूं और मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो मेरा पाथ क्या होगा, मेरी जर्नी क्या होगी, मुझे कितने एग्जाम देने पड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हम। तो देखिए, सबसे पहले अगर एक जर्नी बताएं हम आपके डॉक्टर की, तो जैसा कि आप सब नीट का एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12th आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद में आप नीट एग्जाम देते हैं, और नीट के अंदर आप 85% स्टेट कोटा होता है और 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। इसके अलावा आपके स्टेट के अंदर अलग कट ऑफ जाती है, नीट की अलग कट ऑफ जाती है। तो कैसे भी करके आप अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज है, उसमें आप पहुंच गए, है ना। तो स्टूडेंट्स, जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए तो आप देखिए, यहाँ पर आपको टोटल 5.5 साल बिताने हैं, जिसमें स्टार्टिंग 4.5 साल, लास्ट का 1 साल इंटर्नशिप होगा। 4.5 साल में आपको पता हो कि सेमेस्टर्स कितने होते हैं, टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं, और इसमें से जो सेकंड सेमेस्टर होता है वो 18 मंथ का होता है, बाकी सारे 12 मंथ्स के सेमेस्टर्स होते हैं। और यहाँ पर आपको बीच बीच में एग्जाम्स देने होते हैं, टफ कॉम्पिटिशन्स, या फिर मैं कहूँगी टफ एग्जाम्स, या फिर मैं कहूँगी यार डॉक्टर अगर बनना है तो मेहनत भी यहाँ करनी ही पड़ेगी। मजे तो अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह है, ठीक है। और फिर आप एमबीबीएस जब आप यहाँ पे कर लेते हो तो उसके बाद में आपके पास में अगेन वो चीज आती है जो आपने यहाँ पे 12th के बाद में देखा था, और वो क्या है, और वो है आपका नीट पीजी एग्जामिनेशन। तो नीट का पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर क्रैक करने के लिए आप यहाँ पर, आप हो सकता है कि इंटर्न के साथ में लास्ट इंटर्न खत्म होते ही यहाँ पे क्रैक कर लो, या फिर हो सकता है कि आपको ड्रॉप भी लग सकते हैं, ठीक है। तो नीट पीजी क्रैक करते हैं, उसमें भी अपने कोटा होता है, 50% स्टेट कोटा होता है, 50% ऑल इंडिया कोटा होता है। तो उससे आपको जो भी, जिस तरीके से आपका मेरिट रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच चूज करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, एमबीबीएस की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। हालांकि कई स्टूडेंट्स को एमबीबीएस की फुल फॉर्म भी नहीं पता होती है, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, हालांकि पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बैचलर ऑफ मेडिसिन का मतलब है कि यहाँ आपके दो ही प्रकार के डॉक्टर होते हैं, एक तो मेडिसिन वाले डॉक्टर होते हैं, एक सर्जरी वाले डॉक्टर होते हैं। जब आप एमबीबीएस कर चुके हैं तो आप सोचते हैं कि सर एमबीबीएस करते डॉक्टर बन गया तो बस इनफ, नहीं। एमबीबीएस के बाद में आपको ये सबसे बड़ा ये जो पहाड़ है उसको तोड़ना पड़ता है, तब आप दोनों में से कोई एक डॉक्टर की कैटेगरी में फॉल करते हो। या तो आप दवाइयां देकर के ठीक करने वाला डॉक्टर होता है, या फिर सर्जरी करके बीमारियों को ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं। तो दो ही प्रकार के बेसिकली डॉक्टर होते हैं, एक तो मेडिसिन वाले और एक सर्जरी वाले। तो ये नीट पीजी का आपका रैंक डिसाइड करता है कि आप किस क्षेत्र के अंदर जाने वाले हो, क्या मेरिट लिस्ट रहती है। जैसे इस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो सबसे अच्छी रैंक वाले बड़ी कॉलेजेस चले जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर ब्रांच का खेल होता है नीट पीजी के अंदर। तो आपका जो भी ब्रांच आप लेते हैं यहाँ पे, तो नीट पीजी के बाद में आप में वो एमबीबीएस के बाद आपको कहलाया जाता है स्पेशलिस्ट, या फिर हम कहेंगे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज के अंदर आप जाते हो, जिसमें मेडिसिन का अपना स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है और सर्जरी के अपने स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, ओके। इन सब की अपनी अपनी रैंक होती है, मेरिट रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये ब्रांच अलॉट होती है और उसमें आप चले जाते हो। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ ब्रांचेस यहाँ दे रखी है जो फेमस है, लाइक ये डिग्री का जो होती है, जो मेडिसिन के डिपार्टमेंट में अगर आप चले गए तो आप 3 साल का ये डिग्री होगा, 3 साल तक आप यहाँ पे स्टडी करोगे। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर गए हो तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, रहने के लिए जगह देगी, रेजिडेंट हॉस्टल्स होंगे और आप रेजिडेंट डॉक्टर कहलाओगे वहां के, ओके। और उस हॉस्पिटल के अंदर आपको सब तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शादी भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 साल तक रहते हो और आपकी डिग्री होती है एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन फुल फॉर्म, और एमडी इन पीडियाट्रिक्स, लाइक आपका पीडियाट्रिशियन डॉक्टर होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, रेडियोलॉजिस्ट हो गए, एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं लोग। और बेसिकली ये एंड ब्रांचेज हैं, इनके बाद में इनका कोर्स खत्म हो जाता है, लेकिन एक डॉक्टर होते हैं जो ब्रांच में जाते हैं एमडी जनरल मेडिसिन, और इसको हम बोलते हैं फिजिशियन डॉक्टर, जिसको हम बोलते हैं। तो फिजिशियंस होते हैं उनके पास में आगे एक और एग्जाम देने के लिए ओपन रहते हैं। तो ये जनरल फिजिशियन 3 साल होने के बाद, आपने देखा होगा आपके शहर में फिजिशियन नाम से डॉक्टर बहुत फेमस होंगे, वो आगे उन्होंने कुछ किया नहीं, वो फिजिशियन बन के ही रह गए। लेकिन ये बात नहीं है कि उनकी डिग्री कम है, वो बहुत अच्छी डिग्री है, उनको सब कुछ पता है, हर तरीके की बीमारियों का इलाज ये फिजिशियन कर सकते हैं, ओके। लेकिन सुपर स्पेशलिटी के लिए जो अवेलेबल है, जिनके लिए वो ओपन है सुपर स्पेशलिटी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल जो है, वो सिर्फ यही होते हैं जनरल मेडिसिन वाले, ओके। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से जनरल मेडिसिन। अब यहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट में आपने पीजी किया, कोई स्टूडेंट सर्जरी में इंटरेस्टेड होता है कि मैं सर्जन बहुत अच्छा हूं, तो फिर वो डिग्री उसकी एमएस कहलाती है, मास्टर ऑफ सर्जरी, और ड्यूरेशन उसका भी 3 साल का होता है, और वही स्टाइपेंड वगैरह सारा फॉर्मूला यहीं पे रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ उनके तरफ लगता है। जैसे किसी की इंटरेस्ट है ईएनटी के अंदर तो एमएस ईएनटी,
एमएस इन ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों के डॉक्टर जो बोलते हो आप, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, यानी कि आपका जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पे एंड हो जाते हैं। उनका स्टडी ड्यूरेशन देख लीजिए आप, ऊपर से लेके नीचे तक काउंट कर लो, जहां ड्रॉप है उन ड्रॉप को भी काउंट कर लो, नहीं है तो डायरेक्ट काउंट कर लो, तो इतने साल लगेंगे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनने के लिए। ओके, और फिर आप पता है गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो यहाँ पे एमएस गायनेकोलॉजिस्ट होती है, ठीक है। और एमएस इन जनरल सर्जरी, जनरल सर्जरी मतलब बॉडी की हर पार्ट की सर्जरी कर सकती है, ये भी ओपन होते हैं अगला वाला एग्जाम देने के लिए। तो सर्जरी डिपार्टमेंट में एमएस जनरल सर्जन, जिसको हम जनरल सर्जन बोलते हैं, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जनरल सर्जन। ओके, तो जनरल सर्जन और जनरल फिजिशियन ये दोनों मिलकर के एक एग्जाम दे सकते हैं, नीट एसएस, और नीट एसएस या फिर अपने स्टेट के और भी पर्टिकुलर एग्जाम्स होते हैं उनको दे सकते हैं। तो ये नीट एसएस बेसिकली नेशनल लेवल का एग्जाम होता है सुपर स्पेशलिटी का, और सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम देने के बाद, उसको क्रैक करने के बाद, अपना रैंक लेने के बाद में उनको सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेस अप्लाई करने होते हैं और लेने होते हैं। मेडिसिन वाले सुपर स्पेशलिटी में जाएंगे, और सर्जरी वाले, जनरल सर्जन जो है वो इन इन जगहों पे जा सकता है, जनरल सर्जरी वाला इन डिफरेंट ब्रांचेस में जा सकता है, और जनरल मेडिसिन वाले डॉक्टर फिजिशियन यहां पर जा सकते हैं। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट कभी भी हार्ट का ऑपरेशन नहीं करते हैं, हार्ट को ऑपरेट नहीं करते हैं, बाईपास सर्जरी, वॉल रिप्लेसमेंट, ये सारे काम उनके नहीं होते हैं। ये पेसमेकर फिट करना, हार्ट के अंदर एंजियोग्राफी कर देना, हार्ट को फिट रखना, हार्ट के रिलेटेड जितनी भी दवाइयां होती है, मैंने कहा ना मेडिसिन डॉक्टर वो होते हैं जो दवाइयों से, फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए, दवाइयों से आपका ट्रीटमेंट देते हैं, सर्जरी नहीं करते हैं। तो यहां पर कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ये सब दवाइयों से आपके जितने भी डिजीजेज हैं उनको पहचानेंगे और उनके इलाज करने के लिए, इनकी डिग्री का नाम होगा डीएम, डीएम फॉर डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, और एमडी फॉर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो ये डॉक्टर ऑफ मेडिसिन से भी ऊपर है, तो डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन इनकी डिग्री है, ये भी 3 साल की होती है। और डीएम की डिफरेंट ब्रांचेज है, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, रूमेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, ऐसे कई सारी ब्रांचेस होती हैं डीएम की। जिसमें इंटरेस्ट हो वो जनरल फिजिशियन इनके अंदर आगे जाकर के सुपर स्पेशलिटी ला सकते हैं। ओके, यहां पर जनरल सर्जन की अगर हम बात करें तो आप देखिए इनकी डिग्री का नाम होता है, जो सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन होते हैं उनको बोलते हैं एमसीएच, मास्टर ऑफ चिरजिया। ओके, तो ये लैटिन वर्ड है एमसीएच, जो 3 साल का है, और एमसीएच में आपको पता है कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जन, जो CTVS, जो आपने हार्ट की सर्जरी करते हैं वो MCH, MCH न्यूरोसर्जरी। तो न्यूरोसर्जन जो आप नाम पढ़ते हो कि मैं न्यूरोसर्जन बनूंगा, तो आप देख लीजिए न्यूरोसर्जन बनने के लिए आपका कितना पाथ, कितना रास्ता आपको तय करना पड़ेगा, तब जाकर के आप न्यूरोसर्जन बनोगे, और आपकी डिग्री का नाम क्या होगा, किन किन रास्तों से आप गुजर के आओगे, तो ये रहा न्यूरोसर्जन भाई साहब, ठीक है। फिर यूरोलॉजी, यानी कि जो यूरोलॉजी मतलब आपके जितने भी यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट के जो ऑपरेशन होते हैं वो करते हैं। सर्जिकल गैस्ट्रोलॉजी मतलब आपके सर्जरी, पेट की सर्जरी वगैरह, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी मतलब बच्चों के स्पेशल एकदम टफ ऑपरेशन करने वाले के लिए बेसिक सर्जरी होती है। और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मतलब यानी कि कैंसर का ट्रीटमेंट आप सर्जरी करके यहाँ पे हो गया तो इसको निकालना है, तो इसकी सर्जरी, स्पेशल सर्जरी, ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजी वाले डॉक्टर्स करते हैं। तो आई थिंक आपको इन सब को समझ के ये पता लग गया होगा कि यार एक डॉक्टर को बनने के लिए कोई भी ब्रांच का हो, जो हम नॉर्मल सुनते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, कार्डियोसर्जन, तो उनका क्या पाथ होता है, ये एक दूसरे से किस तरीके से अलग होते हैं, और इनको बनने में कितना टाइम लगता है, और कौन से एग्जाम देने होते हैं, कौन सी डिग्री होती है, कितने साल का टाइम होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो हमारे चैनल प्रेप ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इसमें कोई डाउट है या फिर आपसे कोई सजेशन है या फिर आपको कुछ ऐसा वीडियो बनाइए सर उस पर कोई अगर बात है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में खुले दिल से लिख सकते हो, और प्लीज वीडियो को आगे बढ़ाइए जिससे कि बनने वाले डॉक्टर्स को पहले से ही उजाला नजर आए कि हाँ यार हमें क्या करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।